बॉलीवुड की क्वीन अभिनेत्री कंगना रनौत ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान की कुछ तस्वीरें कंगना ने अपने सोशल मीडिया पर भी साझा की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में कंगना पिंक साड़ी और व्हाइट ब्लाउज पहने काफी खूबसूरत लग रही हैं। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कंगना रनौत को ODOP योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कंगना और उनके फैंस इस उपलब्धि के मिलने से काफी खुश हैं। दरअसल कंगना मुरादाबाद में फिल्म तेजस की शूटिंग खत्म करके लखनऊ पहुंची। कंगना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके फैंस को अपडेट किया कि वह योगी आदित्यनाथ से मिलने वाली हैं। सीएम ऑफिस ने पहले इसे शिष्टाचार मुलाकात कहा था, लेकिन बाद में उन्होंने कंगना को ODOP योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का अपडेट दिया। बता दें कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यूपी सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों और शिल्प को प्रोत्साहित करना है, जो राज्य के प्रत्येक जिले के पास है। मीटिंग के दौरान कंगना ने यूपी में योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ की है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कंगना को अयोध्या आने का भी आमंत्रण दिया है। कंगना ने योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए भेंट और उनके साथ फोटो शेयर कर लिखा, रामचंद्र की तरह तपस्वी राजा का यहाँ राज रहे। योगी आदित्यनाथ जी को आने वाले इलेक्शन के लिए शुभकामनाएं। योगी आदित्यनाथ ने कंगना को एक सिक्का दिया है, जिसका उपयोग राम मंदिर की भूमि पूजन में हुआ था। कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारी फिल्म तेजस के लिए काफी कोऑपरेट किया है। मैं मुख्यमंत्री जी को आने वाले चुनावों के लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आपका राज यूं ही चलता रहे महाराज जी। उन्होंने मुझे सिक्का दिया है, जिसका उपयोग राम जन्मभूमि के दौरान किया गया था। क्या यादगार शाम रही, थैंक यू महाराज जी। एक वीडियो भी कंगना ने शेयर किया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ उन्हें सिक्का भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में अलग पोस्ट करते हुए कंगना ने लिखा, वह काफी नेक और मोटिवेटेड इंसान है। इस युवा जोशीले और इस देश के सबसे चहेते और लोकप्रिय नेता में से एक के साथ दर्शकों को आना कितना खुशी और सौभाग्य की बात है। कंगना अपनी एक नई आगामी फिल्म में सीता का किरदार निभाती नजर आएंगी। हाल ही में उन्होंने अपनी इस फिल्म की घोषणा की थी, और ऐसे में कंगना को योगी आदित्यनाथ से मिला यह सिक्का उनकी इस फिल्म के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। वैसे कंगना को सीता के किरदार में देखना काफी दिलचस्प होगा। कंगना हाल ही में रिलीज हुई अपनी फिल्म थलाइवी को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही थी। इस फिल्म में उन्होंने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जय जय ललिता का किरदार निभाया था। थलाइवी के अलावा कंगना आगामी फिल्म टीकू वेट्स शेरू एक प्रेम कहानी और एक व्यंग के साथ निर्माता के रूप में अपना डिजिटल डेब्यू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंगना के पास धाकड़ भी है, वह अपनी अगली फिल्म तेजस की शूटिंग कर रही हैं, जिसमें वह एक फाइटर पायलट की भूमिका निभा रही हैं। भारतीय वायुसेना 2016 में महिलाओं को लड़ाकू भूमिका में शामिल करने वाली देश की पहली रक्षा सेना थी। यह फिल्म ऐतिहासिक घटना से प्रेरणा लेती है। तेजस का निर्देशन नवोदित सर्वेश मेवाड़ ने किया है। यह फिल्म RSVP की दूसरी फिल्म होगी, जो जनवरी 2019 में रिलीज हुई बेहद सफल फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारतीय सेना को ट्रिब्यूट देती है। कंगना अपनी बात को बेबाकी से कहने के लिए जानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर भी एक्ट्रेस की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। INS रिपोर्ट।